فاسرعوا الى ذكر الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, आपको याद होगा कि पिछले कई इज्तिमाआत से हम अल्लाह ताला की बंदगी के तकाजे जानने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट टाइम गुज़श्ता जुमा हमने खौफ खुदा के बारे में गुफ्तगू की थी कि जब हम अल्लाह ताला को अपना मालिक अपना रब मानते हैं तो हमारा डरना भी सिर्फ उसी से बनता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है उससे कायनात की हर चीज़ डरती है और जो अल्लाह ताला से नहीं डरता वो कायनात की हर चीज़ से डरता है। आज मजमूई तौर पर हमारी कैफियत ये है कि हम हर चीज़ से डरते हैं और उसकी बड़ी वाज़े वजह यह है कि हम अल्लाह ताला से नहीं डरते। आज हम ज़रा उससे अगली बात कर रहे हैं, वो है कि मालिक का कहना माना जाता है और ये मामला सिर्फ मालिक ही का नहीं होता बल्कि एम्प्लॉयर का भी होता है, बॉस का भी होता है और मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ महकमों में जो एम्प्लॉयज़ की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उसमें दो किस्म के कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम, एक जो कॉलम है उसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं जिनका हासिल ये होता है कि ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता, वक्त का पाबंद है कि नहीं है, दिल लगाकर काम करता है कि नहीं करता। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। जो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो दूसरा कॉलम होता है, उस कॉलम का हासिल ये होता है कि इज ही ओबीडियंट और नॉट। ये कहना मानता है अगर किसी एम्प्लॉय का जो पहला कॉलम है उसमें खामियां हो, कमजोरियां हो, काम तो करता है लेकिन कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंटली नहीं करता, महकमा उसको बर्दाश्त कर लेगा, इदारा उसको बर्दाश्त कर लेगा, थोड़ा सा लेट आता है उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, इनिशिएटिव नहीं लेता लेकिन जो काम जिम्मे लगाया जाए वो जरा कर लेता है, थोड़ा सा देर से करे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के दूसरे कॉलम में डिसओबीडियंट लिखा जाए कि नाफरमान है तो फिर इदारा या महकमा उसको बर्दाश्त नहीं करता। जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड इदारे हैं, मसलन फौज है, फौज में तो बाकायदा कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका कि उसने
अपने बॉस का कहना नहीं माना, डिसोबीडियंट, बहुत बड़ा जुर्म है वहां पर। लेकिन बाकी इदारों में भी, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट सर्विस में आमतौर पर किसी को निकालना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो लफ्ज डिसोबीडियंट लिखा हुआ मिलता है उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, ये उसको आगे नहीं बढ़ने देता कि जब उसकी इंक्रीमेंट लगनी होगी तब, उसकी प्रमोशन होनी होगी तब, यदि कोई भी मामला आएगा तो उसकी वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है उस पर वो लिखा हुआ जो डिसोबीडियंट होगा वो रेड मार्क हो जाएगा। और यहां तक के मेरे एक मिलने वाले, उन्होंने पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर पहले उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस अख्तियार की, ये जो कंप्यूटराइज किया है उन्होंने, जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है जिले के अंदर, तो उसके बाद फिर एमए इस्लामियात करके वो लेक्चरर लग गए। अब चूंकि उनको बहरहाल कंप्यूटर आता था, तो उनके प्रिंसिपल ने उनसे तकाजा किया कि तुम कंप्यूटर की क्लासेस भी पढ़ाओ, कंप्यूटर का लेक्चरर नहीं था, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं इस्लामियात का लेक्चरर हूं, मैं कंप्यूटर क्यों पढ़ाऊं। अब प्रिंसिपल ने उसमें लिख दिया कि डिसोबीडियंट। अब जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट होने लगे, अब वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उनके सामने आ गई, तो फिर डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हुए थे, तो उनको फोन किया कि भाई किसी बंदे का तुम कैरियर क्यों खराब करते हो, तो मैं भेज रहा हूं उसको दोबारा, तो नए सिरे से उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखो। यानी ये जो डिसोबीडियंस है ये टॉलरेट नहीं की जाती, सिविल में भी, आर्मी में भी, और प्राइवेट सेक्टर में भी। यानी प्राइवेट सेक्टर में तो फौरन निकाल दिया जाएगा, आर्मी में उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो जाएगा, लेकिन सिविल में भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जहां किसी एम्प्लॉय को निकालना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी प्रमोशन पर भी वो जो डिसोबीडियंट लिखा हुआ है वो वहां पर बरकरार है। तो अल्लाह ताला के मामले में भी, अल्लाह के रसूल के मामले में भी बंदगी का तकाजा, बहुत से तकाजे हम पढ़ चुके, आज उसमें शामिल कीजिए इताअत। लेकिन जब भी हम इताअत का जिक्र करते हैं तो एक चीज हम एज्यूम कर लेते हैं, परफेक्शन। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई परफेक्ट नहीं है। मैं ये एज्यूम तो कर लूंगा, शैतान मुझे पट्टी पढ़ाएगा, फूक देगा तो बड़ी शायद, और मैं एज्यूम कर लूंगा कि मैं बड़ा परफेक्ट हूं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हुई तो मासूमियत भी ख़त्म हो गई, और मासूमियत ख़त्म हुई तो दूसरे लफ्ज़ों में परफेक्शन भी ख़त्म हो गई। इताअत का जो प्रैक्टिकल मफहूम है वो क्या है? बगावत ना हो। होते हैं जी, हम में से कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर है, और हम इदारों के अंदर देखते हैं, यानी कमी कोताही हर जगह रहती है, लेकिन कोरा इनकार के मैं नहीं करना, ये कोई महकमा बर्दाश्त नहीं करता, कोई इदारा बर्दाश्त नहीं करता, कोई अफसर बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला के मामले में भी कि अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए रखना। अभी परसों ही इस दफा जो पार्ट 3 है हमारा कोर्स का, जैसे ये पार्ट 1 का यहां पर आपके सामने ऐड है, तो जो पिछले 2 सालों से हमारे साथ है अब उनके लिए हमने पार्ट 3 शुरू किया है, और उसमें दौरा तरीम कुरान ही मैं पढ़ा रहा हूं, इंजीनियर फैजाज हसन दौरा हदीस करा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहे हैं, और मैं पूरे कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा रहा हूं। तो वहां बनी इसराइल का तज़किरा आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि दाखिल हो जाओ इस शहर में, वदखुलुल बाब सुज्जदन, और आजी के साथ दाखिल होना शहर में। यानी एक होता है फातिहाना अंदाज में यूं कहकर दाखिल होना और विक्ट्री का निशान बनाते हुए दाखिल होना, लेकिन आपको मालूम है कि सीरत में आपने पढ़ा होगा
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے روز داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی آپ کی سواری کے جو گردن کے بال ہیں ان کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. تو وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو. اب حِطَّةٌ کیا تھا؟ یہ کلمہ استغفار تھا عبرانی زبان میں, جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ یا اللہ معافی یا اللہ معافی یا اس طرح کا کوئی جملہ. لیکن انہیں کیا کیا, بنی اسرائیل نے اس حِطَّةٌ کو حِنْطَةٌ سے بدل لیا. تو میں بتا رہا تھا کلاس میں کہ یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے آپ کے بعض امپلائیز, اس میں انٹر لوب کے ہمارے اس کلاس میں تین چار مینیجرز ہیں انٹر لوب کے, دو ان کے ساتھ کولیگ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بڑے محظوظ ہوئے اس بات سے. میں نے کہا جی ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ جی ادرون چلا جا, وہ آپ سے کہے ادرون نہ چل جاؤں. ایک مینٹیلٹی ہے کہ آنکھیں نہیں لگنا, یعنی اپنی استادی بیچ میں لگانا, یہ ایک مینٹیلٹی ہے. اور بنی اسرائیل اس کے ماسٹر تھے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یوں کر لو, کہتے ہیں یوں نہ کر لیں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ ڈس اوبیڈینٹ مینٹیلٹی ہے. انڈیویجول کام اچھا برا, جیسے میں نے عرض کیا کہ پرفیکٹ ہم کبھی نہیں ہوں گے, ہمیں خامی کوتاہی رہے گی, لیکن ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے, ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اوبیڈینس والا ہونا چاہیے, اوبیڈینٹ وے, اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ. تو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا اوبیڈینٹ کہنا ماننا, اور ڈس اوبیڈینس جو ہوتا ہے اس کی پھر کئی طریقے ہیں, کئی لیولز ہیں. پہلے تو سٹارٹ میں وہ کہے گا کہ آپ نے کہا کہ یوں کرے جاؤ, تو کہے گا ایسے نہ کر لو. اچھا پھر اوبیڈینس نہیں کی, اس کے بعد پھر آرگو کرنا, یہ بھی کیا ہے, یہ ڈس اوبیڈینس کا ایک جیسچر ہے کہ آپ نے جواب طلبی کی تو اس کے بعد پھر آکڑنا نہیں میں ٹھیک کیتا. یہ آپ کو قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے سے بھی قرآن مجید بار بار ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. قصہ آدم و ابلیس کیا ہے, دو کیریکٹرز کی کہانی ہے, ایک اوبیڈینٹ کیریکٹر ہے اور ایک ڈس اوبیڈینٹ کیریکٹر ہے. جہاں تک نافرمانی ہو جانے کا تعلق ہے, یہ شیطان نے بھی کی اور آدم و حوا سے بھی ہو گئی, لیکن یہاں بھی فرق کیا ہے, شیطان نے جان بوجھ کر نافرمانی کی جبکہ آدم و حوا سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, وہ ٹریپ میں آ گئے اور اس نے ان کو آمادہ کر لیا کہ اچھا چلو کھاؤ نہ, چکھ کے دیکھ لو, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس بھی جانے سے منع فرمایا تھا. تو یہ کیا ہے, لیکن دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جب جواب طلبی کی, شیطان سے پوچھا کہ ما منع کا اللہ تسجد اذا امرتک, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تمہیں روک دیا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ, سر میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس نے مٹی سے پیدا کیا, آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل, میں اس سے سپیرین ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں. اب اس کا مطلب سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ تیرا حکم غلط تھا, ری کنسیڈر یور کمانڈ. یہ ہوتا ہے ڈس اوبیڈینٹ آدمی, کہ وہ آپ کو غلط ثابت کر دے گا کہ کیونکہ آپ کا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا, جبکہ آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام جواب طلبی فرمائی کہ الم انہکم آتلکم الشجرہ, کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اچھا اب غور کیجیے, آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ربا ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا تھا اور تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے بھیجے ہمیں زمین پر. یعنی آپ اپنے ذہن میں ویو کریں نا, آپ کے سامنے بیسیوں
एग्जाम्पल्स जो हैं वो आ जाएंगी कि नाफरमान आदमी उसका जेस्चर क्या होता है। लेकिन आदम और हव्वा ने कुछ भी आर्गू नहीं किया, चुप करके सॉरी कह दिया। यानी जो ओबीडियंट एटीट्यूड है उसमें दो ही जेस्चर्स हैं, यस सर, सॉरी सर। जब हुक्म मिले तो कहे यस सर जी, और गलती हो जाए जवाब तल भी हो तो सॉरी सर। यह क्या है? यह बंदगी है। और जो बगावत है, किसी को दिल से बड़ा ना मानना, बॉस को बॉस तस्लीम ना करना, आका को आका तस्लीम ना करना, एम्प्लॉयर को दिल से एम्प्लॉयर तस्लीम ना करना, उसका फिर जहूर एवरी नाउ एंड देन इधर उधर होता रहेगा। तो अल्लाह ताला की बंदगी का भी एक लाजमी तकाजा क्या है कि इंसान अल्लाह ताला का ओबीडियंट हो, उसका फर्मा बरदार हो, जो हुक्म वो दे कि यस सर, और लग जाए उस काम में। फिर उसमें कमी कोताही रह जाए, कहीं नाफरमानी हो जाए, तो जब याद आए फौरन माफी मांग ले। ये है बंदगी का तर्ज अमल, वेरी सिंपल। तो अच्छा, अब अल्लाह ताला जो है वो जमीन पर आकर सामने खड़े होकर कोई हुक्म नहीं देता, उसने अपने नुमाइंदे भेजे हैं। ये अंबिया-ए-किराम कौन है? ये अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं। ये रसूल कौन है? ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और तारीख अंबिया पढ़ लीजिएगा कुरान मजीद से, हर नबी ने क्या तकाजा किया है? अल्लाह की बंदगी करो और मेरा कहना मानो। या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो और मेरा कहना मानो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं। इबादत अल्लाह की, लेकिन ओबीडियंस मेरी। हर नबी ये कह रहा है, हर रसूल ये कह रहा है। इवन अल्लाह ताला की बंदगी कैसे करनी है ये भी मेरे तरीके के मुताबिक होगी। सूरह आले इमरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी, ऐ नबी कह दो कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो। युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बर्तानिया में एक चर्च के ऊपर लिखा हुआ मैंने पढ़ा, ईसा अलैहि सलाम का कॉल कि यू कैन कम टू गॉड ओनली थ्रू मी, यानी अल्लाह ताला से मिलने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि मेरे थ्रू मिलो। अब इसी में जो मुशरिकाना माइंड का मालिक है वो क्या कहेगा कि पहले ईसा अलैहि सलाम को सजदा करो फिर अल्लाह से करो, वरना बात बिल्कुल वाज़े है कि मेरे थ्रू, यानी जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला से मिलने की मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको फॉलो करो तुम अल्लाह ताला से मिल लोगे। और ये कुरान मजीद के आयत मुताबिक है। तो हर नबी ने ये कहा, नूह अलैहि सलाम ने यही कहा, हूद अलैहि सलाम ने यही कहा, सालेह अलैहि सलाम ने यही कहा, लूत अलैहि सलाम ने यही कहा, और शुएब अलैहिस्सलाम ने यही कहा, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीउन मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ एक ट्रस्ट वर्दी पैगंबर हूं, एक ऐसा पैगंबर जिस पर तुम एतमाद कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी पैगंबर हूं, फत्तकुल्लाह व अतीउ, बस अल्लाह से डरो मेरा कहना मानो। अल्लाह के पैगंबरों को तो अल्लाह ताला ने भेजा ही इताअत के लिए। अल्फाज है कुरान मजीद में कि मा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुता बिज़्निल्लाह, इस तरह के अल्फाज मुझे बोल रहे हैं कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि मेरे हुक्म से उसकी इताअत की जाए। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि मेरे हुक्म से
उसकी इताहत की जाए। तो रसूल को रसूल मानना और उसकी इताहत ना करना, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सूरह निसा में फरमाया मैं युतीर रसूल फकद अताल्ला, जिसने रसूल का कहना माना उसने अल्लाह का कहना माना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चेन को मुकम्मल किया है। आपने फरमाया कि जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की फरमा बरदारी की उसने मेरी फरमा बरदारी की, और जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए अमीर की नाफरमानी की उसने समझो मेरी नाफरमानी की। फिर फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो नुमाइंदा होता है ना कि अल्लाह के नुमाइंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल के नुमाइंदे उनके मुकर्रर करदा अमीर, उनके मुकर्रर करदा गवर्नर्स, यानी किसी जंग में किसी मुहिम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा क्या है, उमरा है। जैसे ग़ज़वा उहुद में ओवरऑल मुसलमानों की फौज के कमांडर कौन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन आपने 50 तीर अंदाज पहाड़ी के ऊपर खड़े किए और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि तुम यहां से ना हिलना, हां तुम देखो कि हम सब शहीद हो गए और परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे, और उनके ऊपर एक अमीर मुकर्रर फरमाया। अब जब जंग शुरू हुई पहले ही हल्ले में कुरैश दौड़ गए मैदान जंग छोड़ के और मुसलमानों को फतह मिल गई और मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर। अब ऊपर जो था वो इख्तलाफ राय हो गया, उन 50 में से 35 जो थे तीरंदाज उन्होंने कहा कि चले नीचे, उनके अमीर ने उनको मना किया, लेकिन उन 35 अफराद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हुक्म को इंटरप्रेट किया, उसकी एक तावील की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना था कि अगर हम सब शहीद हो जाएं और परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे हों, अब तो सिचुएशन ही बदल गई, फतह हो गई और हमारा यहां खड़े होने का तुक क्या है, लेट्स गो। उनके अमीर रोकते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए और वो मोर्चा छोड़कर पहाड़ी छोड़कर नीचे उतर गए। और उधर हजरत खालिद बिन वलीद तैयार खड़े थे, यानी एक कैवलरी लेकर घुड़सवार दस्ता लेकर कि जूं ही ये जरा इधर उधर हो तो मैं हमला करूं। जब देखा कि 35 उतर गए अब सिर्फ 15 रह गए तो वो नीचे जो उनका घुड़सवार दस्ता था, अब उनकी महारत का अंदाजा लगाइए कि तेज घोड़े दौड़ाते हुए नीचे से उनने तीर बरसाए, 100 के करीब वो थे, ऊपर 15 रह गए और उनमें से 14 शहीद हो गए। किस बुनियाद पर, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे की नाफरमानी की। ये जो इताअत है इसका किसी भी इदारे में बड़ा मकाम होता है। जिस इदारे में सबॉर्डिनेट अपने बॉस का कहना नहीं मानता, वर्कर अपने मैनेजर का कहना नहीं मानता, और जहां भी डिसोबीडियंस रिवाज पा जाती है इवन घर के अंदर, और इसको बाकायदा प्रमोट किया गया है कि वालिदैन का कहना मानने की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े तरीकों से वो टेलीनोर ने शायद वो बनाई थी ना एक छोटी सी मूवी कि एक लड़की जो है वो एथलेटिक्स में अच्छा मकाम हासिल करती है और अब उसको चांस मिलता है एक मुल्क से बाहर जाने का एथलेटिक्स के लिए, वालिदैन उसको मना करते हैं लेकिन वो चली जाती है, वहां से वो गोल्ड मेडल जीत कर आती है, उसके वालिदैन भी एयरपोर्ट पर उसको इस्तकबाल करते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप, कि वालिदैन देखे लगने की कोई जरूरत नहीं, बगरू ठीक हो जाए उन्होंने, तुम बन के दिखाओ कुछ। ये क्या है, ये मैसेज है कि वालिदैन की इताअत करने की जरूरत नहीं।
और फिर वालिदैन की, यानी कोई एक आध केस ऐसा हो भी जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, जब भी आप अपने वालिदैन की बात को इग्नोर करेंगे, नौजवान बच्चे, तो दे विल हैव टू पे द प्राइस, उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर रिवाज ये हो जाए कि बच्चों को नजर आ रहा हो कि उनकी मां भी उनके बाप का कहना नहीं मानती, तो फिर बच्चे मां का कहना क्यों मानेंगे? ये एक डिसिप्लिन है, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, और फिर उसके बाद हर जगह पर अल्लाह के रसूल के मुकर्रर करदा जो भी जिम्मेदारान बनाए गए उनकी इताअत, देख लिया आप नमाज के अंदर। यानी इससे ज्यादा वाज़े मिसाल नहीं हो सकती कि हम किसी शख्स को अपने में से इस मुसल्ले पर खड़ा करते हैं जो मुसल्ला रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मुसल्ला रसूल ही कहते हैं ना। अच्छा, अब देखिए, अगर वो इमाम नमाज के अंदर भूलता है, मसलन उसने चार रकतें पढ़नी थी या मगरिब की तीन रकतें पढ़नी थी, अब दूसरी रकत में बैठना, कायदा करना, अता याद पढ़ना क्या था, ये वाजिब था, वो भूल गया और अल्लाह अकबर कह के सीधा खड़ा हो गया। अब देखिए, गौर कीजिए, इंस्ट्रक्शन क्या है कि मुक्तदी सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर उसको याद करा दे कि तुम भूल गए हो, लेकिन इमाम के साथ खड़ा हो जाए, उसको बैठ कर ना सुभान अल्लाह करता रहे। वो खड़ा हो गया तो सुभान अल्लाह ऊंचा ऊंची आवाज में कहकर उसके साथ खड़ा हो जाए, और फिर इमाम के साथ आखिर वक्त में सजदा सहव करके उसको रेक्टिफाई करे, उसकी कमी को पूरा करे। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं फटाफट, इमाम तो भूल गया, मैं तो नहीं भूला, लिहाजा मैं फटाफट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लूं और कायदा कर लूं, अता याद पढ़ के जल्दी से खड़ा हो जाऊंगा, उसकी नमाज टूट जाएगी, इमाम की नमाज नहीं टूटेगी। समझ में आ गई मिसाल आपके? दोबारा दोहराता हूं कि इमाम के साथ गलती करना भी वाजिब है, यानी इमाम की गलती पर अपनी नमाज को दुरुस्त कर लेना ये अलाउड ही नहीं है। मिसाल मैंने क्या दी है कि मगरिब की नमाज में या जोहर असर इशा की नमाज में चार रकतें होती हैं, मगरिब में तीन रकतें होती हैं, और दूसरी रकत में कायदा करना होता है, दो सजदों के बाद बैठना होता है, अत्तहियात पढ़नी होती है और फिर खड़े होना होता है। इमाम किसी वजह से भूल गया और वो सजदे के बाद सीधा खड़ा हो गया, तो मुक्तदी के लिए भी लाजिम है कोई इमाम के साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर इमाम को याद करा दे कि तुम भूल गए, और फिर आखिरी रकत में उसके साथ सजदा सहव करके बस कमी जो गलती है उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी, वो कंपनसेट हो जाएगी। लेकिन ये अलाउड नहीं है कि आप जल्दी जल्दी अत्ता याद पढ़ के फिर दोबारा खड़े होकर शामिल हो जाएं, उससे आपकी नमाज, मुक्तदी की नमाज टूट जाएगी, इमाम की नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ओबीडियंस, इताअत, और इताअत का मतलब इताअत ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उसके दो जेस्चर, यस सर, सॉरी सर। इमेजिन कीजिए अपने जहन में, आपका कोई एम्प्लॉय है कि वो जब आप उसे हुक्म दें तो वो कहे यस सर, और फिर जब आए तो आप कहेंगे वो ये क्या कर दिया, वो कह दे सॉरी सर, आपको कभी उस पर गुस्सा नहीं आता, बात कभी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन उसके बाद जो दूसरा किस्म का एम्प्लॉय है, अब आप उसे कहते हैं कि ऐसा कर दो, वो फौरन नहीं कहते ऐसा ना कर दूं, यानी ही वॉन्ट्स टू टेल यू कि तुम्हें की पता मैं ऐसा ना कर दूं। तो आप अगर नरम आदमी है तो आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, चलो ऐसे कर दो। लेकिन एक आध दफा तो हो सकता है कि कोई शख्स आपसे बेहतर राय है रखता हो, लेकिन आप देखेंगे कि वो जो डिसोबीडियंट कैरेक्टर है, जो डिसोबीडियंट नेचर है, जो डिसोबीडियंट बिहेवियर है, वो हमेशा ऐसे ही करेगा, और जब भी कोई गलती करेगा आप उसे टोकेंगे तो अर्गू करेगा, अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा और अर्गू करता चला जाएगा। अच्छा, शैतान चूंकि अल्लाह ताला ने हमारे साथ लगाया है हमें अल्लाह ताला की बंदगी से रोकने के लिए,
अल्लाह ताला की गुलामी से रोकने के। लिहाजा वो हम में से हर शख्स को नाफरमानी पर उकसाता रहेगा। कोई जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ही ज्यादा अपनी गलती को रैशनलाइज करेगा, उसको सही साबित करेगा। यदि अपना सारा इल्म जब इस पर लगाएगा कि नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसे। एक दोस्त बता रहे थे कि बड़ा दोस्त है हमारे, दीनदार आदमी है माशाल्लाह, तो वो कहीं जा रहे थे सड़क पर रात के वक्त, तो किसी रेड़ी को जा रही थी को उसने कोई लाइट वगैरह नहीं लगाई हुई थी, तो पीछे से उन्हें कार से हिट कर दिया उसको, और फिर वहां से वो निकल के आ गए। तो अपने किसी दोस्त से उन्होंने तذکرہ किया, तो उसने कहा जी तुझे केड़ी गल दे दीनदार हो, तो उन्होंने कहा फौरन मूसा अलैहि सलाम ने तो मार के दौड़ी है। ये क्या है? यानी अपनी गलती ना मानना, ये दीनदार शख्स के अंदर भी, जब जिसकी नेचर डिसोबीडिएंट होगी याद रखिएगा, यानी आमाल को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसोबीडियंट बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं। वो मैंने आपको कई बार सुनाया है कि ज़माना तालिबे इल्मी की बात है, कॉलेज में कोई बात हुई, मुझे अब बात याद नहीं है, हॉस्टल में जब आए तो हमारे क्लास वालों ने डॉक्टर मुबशर हसन अल्लाह उसे खुश रखे, तो उसने मुझे कहा कि समीर तुमने यह क्या किया, तो मैंने रैशनलाइज किया, उसको कोई दलील दी, उसने कहा समीर बात यह है कि हम आम लोग भी गलती करते हैं और तुम मौलवी लोग भी गलती करते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि हम आम लोग गलती करके शर्मिंदा होते हैं और तुम मौलवी लोग गलती करके उसके हक में दलील देते हो। वेरी ट्रू। इल्म जो है अगर इंसान के दिल पर ना उतरे, उसके दिल में ना उतरे, तो उसको मौलाना रूम ने, ये शेख सादी ने कहा है कि वो सांप है, इन रा दर तंज नहीं मारे बबत। इल्म जो है वो सिर्फ इंसान के दिमाग में उसके जिस्म में आया हो तो वो सांप है जो उसको काटेगा बार बार, और इल्म रा दर दिल जनी यारे बबत। और अगर इंसान का दिल उसके दिल में उतर जाए, उसका इल्म, अगर इंसान का इल्म उसके दिल में उतर जाए तो फिर वो उसका दोस्त है, फिर उसको उसका बाजू थाम कर जन्नत में ले जाता है उसको। तो इल्म का दिल में उतरना, यानी सिर्फ मालूमात होंगी इंसान के पास, तो वो सारी मालूमात, अगर नेचर डिसोबीडियंट है तो वो सारी मालूमात को इस्तेमाल करेगा अपनी डिसोबीडियंस को रेगुलराइज करने के लिए, उसको रैशनलाइज करने के लिए, अपनी गलती को सही साबित करने के लिए कि नहीं नहीं मैं गलती नहीं की थी। लेकिन अगर इंसान का इल्म उसके दिल में उतर गया तो फिर उसको अल्लाह ताला की बंदगी में मदद देगा। इन प्रिंसिपल अल्लाह ताला की बंदगी के लिए लंबे चौड़े इल्म की जरूरत ही नहीं है। इशफाक अहमद साहब हमारे मशहूर दानिशवर थे मरहूम, वो कहते हैं कि मैंने जब मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों में पास कर लिया तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया। उनके गांव के एक मोची थे, बुजुर्ग आदमी लेकिन थे बड़े सयाने, लोग अपने निजी मामलात में उनसे मशवरा कर लेते थे, इतने सयाने थे, और गांव के बच्चे उन्हें ताया जी कहकर बुलाते थे, समझ गए ना, यानी चचा कहना और फिर उससे भी आगे बढ़कर ताया कहना, बाप का बड़ा भाई। गांव के लड़के जो थे उन्हें ताया जी कहकर बुलाते थे। तो कहते मेरी वालदा ने मुझे कहा कि लाहौर जान तो पहले ताए नु सलाम करके जाई, दुआ लेके जाई होना करो। मैं बहरहाल मुझे कोई एतराज भी नहीं था, मैं उनके पास गया, वो जूता गांट रहे थे, तो मैंने सलाम किया, वालेकुम सलाम का। मैंने उन्होंने कहा जी मैं लाहौर जा रहे हैं पढ़ने वास्ते। उन्होंने दुआ दी, अच्छा शाबाश, अच्छा बेटा, अल्लाह तआला हिफाजत करे। कहते फिर चार छः महीने के बाद जब मैं छुट्टियों में घर गया, अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था और इल्म का खन्नास जो था वो मेरे अंदर आ चुका था। अब मैं घर गया तो मेरी वालदा गए, ताइन सलाम करके आया, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। अब मेरा मूड नहीं था उनको मिलने जाने का, एक अनपढ़ आदमी के मैं क्या मिलने जाऊं। वालदा ने फिर कहा, फिर मैंने सुनी अनसुनी कर दी।
जब वालदा ने बार बार कहा कि तायन सलाम कर क्या, तो कहते मैं बादले नाखास्ता उनके पास गया और वो जूता गाड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पुत्र कितने हो ना? नहीं, मैं गवर्नमेंट का लॉज पढ़ना। तूने पूछा पुत्र की पढ़ना है उते? तो कहते मैंने कहा कैसी पढ़े कि मक्खी दी अख दे कई शीशे लगे होंगे ना लेंसेज उसके, उसकी रेंज है वो बड़ी वाइड है ना, कि मक्खी यहां पर बैठी हुई हो तो मैं इधर से जाऊंगा तब भी मेरे हाथ पहुंचने से पहले उड़ जाएगी और उधर से जाऊंगा तब भी उड़ जाएगी। कहते ऐसी पड़े आएगी तो कई शीशे लगे होंगे कि वो दूर तक देख लेंदी है तो दूरों ही उड़ जाती। तो उन्हें जूता गाटते गाटते कहा पुत्र की करिए ना शेषियां नो जाके बहंदी तो गूंते ही ना। ये है वो दिल की बात। जब इल्म इंसान के दिल में उतरता है तो वो किस में हेल्प करता है? बंदगी में हेल्प करता है। और अगर इंसान की मालूमात सिर्फ मालूमात हो, वो दिमाग में हो, जिस्म में हो, लेकिन वो दिल में ना उतरी हो, और इंसान का जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, वो बागियाना हो, तो फिर उसका इल्म उसको बगावत में मदद देगा। फिका पड़ी हुई है, इल्म पड़ा हुआ है, अहादीस पड़ी हुई है, तो वो पूरे जखीरा अहादीस में से कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई आयत ढूंढ के लाएगा अपनी बात को सही साबित करने के लिए, यानी अपनी गलती नहीं मानेगा। जबकि जो ओबीडिएंट एटीट्यूड है वो क्या है? सॉरी सर। जैसे आदम व हव्वा ने कहा अलैहिस्सलाम, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बा गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म ढाया है, हमने अपने ऊपर ज़्यादती की है, और अब भी अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, हम पर मेहरबानी नहीं फरमाएगा, तो लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो फिर लुट जाएंगे, मारे जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। कि ओबीडियंस और डिसओबीडियंस, ये दो एटीट्यूड्स हैं, ये अमाल नहीं है। ओबीडियंट एटीट्यूड, यस सर एंड सॉरी सर, और डिसओबीडियंस एटीट्यूड शुरू यहां से होगा कि अगर उन्हें निकल जाऊं, और फिर जब गलती हुई टोका तो उसके बाद फिर वो साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं मैं ठीक किया, आपने गलत क्या दिया था मुझे, सही रास्ता वही था कि मैं इधर से जाता और ये मैं ऐसे और ऐसे। अगर आप शरीफ आदमी हैं तो आप मुंह देखते रह जाएंगे, और अगर आप सख्त आदमी हैं तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। तो असल बात समझने की है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और बंदगी एक एटीट्यूड है, अमाल का नाम बंदगी नहीं है। बंदगी एक एटीट्यूड है कि जो हुक्म मिले उसकी कंप्लायंस करने लगे इंसान, जो कमी कोताही रह जाए, गलती हो जाए, तो उससे माफी मांग ले। यहीं पर मामला खत्म हो जाता है। जितने भी दुनिया में सारे फसाद हैं, आप गौर कीजिए कि वो इसी पर हैं कि बंदगी नहीं करनी, कहना नहीं मानना, गलत काम करना है, या अगर गलती हो गई है फिर भी गलती नहीं माननी, उसको सही साबित करने की कोशिश करना है। इसी में जमीन पर फसाद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदगी की तौफीक दे, और उसका हुक्म हुक्म समझ कर मानना, फिर गलती हो जाए, कोताही रह जाए, कमी रह जाए, तो बस माफी मांग लेना अल्लाह ताला से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल हाल ना हो। तो किसी साहबी ने पूछा कि आप भी? आपने फरमाया हाँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी सबरी नंबर रहता फी कुल यौम, मैं तो दिन में 70-70 दफ़ा अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। तो आइए हम भी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम।